सही दिशा आपकी दशा बदल सकती है और ये तब हो सकता है जब आपके जीवन में सब कुछ वास्तु अनुरूप हो। मगर क्या है वास्तु और कैसे उपयोग किया जाए, इसका ज्ञान ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। महावास्तु को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला की गई जिसमें वास्तु के जानकार एकत्र हुए और महावास्तु क्या है इसका ज्ञान अर्जन किया। वास्तु सही हो तो जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाई जा सकती है और सही वास्तु जानना एक विज्ञान है, एक कला है जिसकी शिक्षा प्राप्त होना बेहद जरूरी है। अधिकतर जब समय खराब हो या जीवन में सब कुछ उलट पुलट चल रहा हो तो लोग वास्तु की शरण में जाते हैं। अपने घर और दफ्तर का वास्तु ठीक करके भी लोग जीवन में सम्मान भी पाते हैं और धन भी। महावास्तु वास्तु का ही शुद्धतम रूप है। जिन सवालों के जवाब हमें वास्तु में नहीं मिल पाए थे, क्योंकि कई लोग वास्तु करने के बाद भी सुख समृद्धियों से दूर थे और वास्तु इंसान इसीलिए कराता है, तब ये महावास्तु बना। हमारे फाउंडर हैं KV बंसल सर, जिनका कि दिल्ली में ऑफिस है और ये कोर्स उन्हीं के हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हैं। यहाँ पे हम लोग हर सिटीज़ में, कुछ महानगरों में 2 डेज़ की क्लासेस होती हैं जो कि महावास्तु ट्रेनर्स आते हैं। हमारे भोपाल में भी आचार्य आशुतोष तिवारी जी आए हुए हैं और वो अभी 2 दिवसीय क्लास ले रहे हैं। जीवन में सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब है सब कुछ वास्तु अनुरूप है, मगर स्वास्थ्य मन और जीवन थोड़ा भी डगमगा रहा है तो ज़रूरी है कि आप किसी वास्तु के जानकार से संपर्क करें। अगर आप अस्वस्थ हैं और मन भी ठीक नहीं है तो घर का कुछ सामान या कुछ दिशाएं बदलने भर मात्र से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। महावास्तु वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन है, जैसे कि वास्तु 12,000 साल पुरानी परंपरा है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपार्टमेंट में रहने लग गया है, उसके जीवन में बहुत सारे सामानों का उपयोग हो गया है। आज की जीवन शैली में हम अपार्टमेंट में रहते हुए भी वास्तु की ऊर्जाओं को दक्षता के साथ में इस्तेमाल कर सकें, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो है वो महावास्तु कहलाता है। महावास्तु में हमेशा ये अवधारणा प्रचलित है कि समस्या क्या है, समस्या का निदान क्या है, और ये 16 महावास्तु की विधियों के द्वारा ट्रीटमेंट होता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें डिमोलिशन नहीं है, यानी बिना तोड़ फोड़ के समस्याओं के उपाय। तो ये महावास्तु है। महावास्तु हमेशा प्रॉब्लम को फोकस करता है और एक खास मेथोडोलॉजी जिसको हम 4-स्टेप मेथोडोलॉजी कहते हैं, उससे हम उन समस्याओं को उनके मूल कारणों तक पहुँचते हैं और उसके बाद में उसका समाधान देते हैं। महावास्तु आज के जीवन शैली में वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन। किसी भी भवन का जो प्रयोजन है वो है आनंद की प्राप्ति, सुख, सेहत, समृद्धि। अगर उसके जीवन में ये समस्याएं नहीं हैं तो उसके घर में कोई भी चीज़ कहीं भी बनी हो और कैसी भी बनी हो वो वास्तु परफेक्ट है। बट अगर उसके जीवन में इन बातों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो फिर हम महावास्तु की टेक्निक्स के द्वारा पता करते हैं कि मूल कारण क्या है, और हम 4-स्टेप की मेथोडोलॉजी के द्वारा 16 महावास्तु की जो विधाएं हैं उसमें बिना तोड़ फोड़ के उन समस्याओं का निराकरण करते हैं। महावास्तु जो है वो हमारी सनातन परंपराएं हैं। इसका प्रामाणिक ग्रंथ अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश में देखें तो महावास्तु विश्वकर्मा प्रकाश से जो है वो लिया गया है। ये सांख्य का बेस है, यानी सांख्य की अवधारणा है महावास्तु में। वैशेषिक जो शास्त्र है वहाँ से हमने पदार्थों के गुण लिए हैं। कुल मिला के महावास्तु हमारी सनातनी परंपरा है और ये परंपरा जो है वो गलत प्रैक्टिसेस की वजह से जो है वो समाज में थोड़ी सी अपना स्थान नहीं बना पाई। महावास्तु उस सनातन परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो भ्रम हैं, जो मिथ्याएँ हैं उनको समाज में हटा रहा है, एक बहुत आनंददायी जीवन शैली देने का प्रयास कर रहा है। हम महावास्तु का जो नॉलेज है, महावास्तु के बारे में जो ज्ञान है, उसको हम 2 दिन के अपने 2-डे VFC फाउंडेशन कोर्स के द्वारा, या हम हर प्रत्येक गुरुवार को हम 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में लोगों की समस्याओं को निःशुल्क सुनते हैं उसके द्वारा, और फिर पेड कंसल्टेंसीज के द्वारा हम इसका उपचार करते हैं। महावास्तु एक्चुअली क्या है? ऊर्जाएं हैं। हमारे शरीर में भी ऊर्जाएं हैं, हमारे घर में भी ऊर्जाएं हैं और ब्रह्मांड में भी ऊर्जाएं हैं।
ये ऊर्जाएं अगर संतुलित रहती हैं तो आपके जीवन में आनंद, सेहत, सुख, समृद्धि पैदा होती हैं, और ऊर्जाओं का असंतुलन आपके जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, बात हाथ की रेखाओं की नहीं है, बात ऊर्जाओं के संतुलन की है। ऊर्जा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो विनाशकारी हो जाएगी, ऊर्जा जो है अगर कम रह गई तो किसी चीज़ को जिसको घटित होना है उसको घटित नहीं होने देगी। तो महावास्तु साइंस है, महावास्तु आर्ट भी है, और महावास्तु सनातन परंपराओं का जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान सहेज के रखा था उसको आज के आधुनिक भाषा में, आज के आधुनिक शैली में सब जीवन के जितने भी आयाम हैं उन आयामों में हमारे समाज के लोगों को खुश रखने की एक जीवन शैली।